दोस्तों ये सामने की तरफ नज़ारा आप देख रहे हो डंपिंग जोन का, FCR से इधर की ओर ही देख रहे हो आप, और शिवालय मंदिर से नीचे की तरफ बगाशू का खाला नाम से भी जाना जाता था कभी। और मतलब अभी इतनी बारिश हुई बीच में, आपको पता ही है, और अभी मौसम भी ऐसा हो रखा मतलब कि बारिश होने की शंका शाम के टाइम पर हो सकती है। और दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा आप सभी लोगों को, ये क्या कर रहा है कि मतलब इतनी दिक्कत पैदा हो गई है कि नीचे स्रोत है हमारे गाँव का, और मतलब मिट्टी जो है बह के सारी उसको उसके ऊपर आ चुकी है। मैंने एक क्लिप तैयार की है, आगे इसे मैं ऐड करके दिखाऊंगा आपको कि क्या नज़ारा है अभी हमारे पानी के स्रोत का। और ये देख रहे हो आप, हम चल रहे हैं NS94 रूट में, और देख रहे हो आप सारी जगहों से आप अच्छे से वाकिफ भी हैं पीछे की और भी। और मुझसे भी नमस्कार दोस्तों, तीरथ सिंह रावत ऑफिशियल के एकदम फ्रेश न्यू अपलोड में आप सभी लोगों को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। आज भी आपके उज्जवल भविष्य की तहे दिल से कामना कर रहा हूँ। और दोस्तों ये देखिए सामने की ओर, ये है हडम पल्ला, पल्ला हडम है। और पहले ग्राम सभा, मैंने बताया आपको चार गाँव की एक ही ग्राम सभा थी। ऊपर हडम मल्ला है, वो कारमल से लेकर के आपका पूरा हडम मल्ला का एरिया है वो खैर बाद में अलग हो चुका है हमसे। और अभी जो फ़िलहाल जो है आप देख सकते हैं, मैं इसको बनाने के पीछे का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है दोस्तों। मैं एक ही चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ आप सभी लोगों को, देखो ना कुछ चीज़ें क्या होता है कि आपके आसपास जो है कोई मतलब कोई एक व्यक्ति विशेष ऐसा होता है जो मतलब कुछ लालच के चलते कुछ मतलब अपनी खुद की, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और देख सकते हो आप ये नज़ारा, और बारिश के टाइम पर बहुत बुरा हाल कर देता है। और मतलब नीचे लोगों के खेत हैं, कुछ हैं, कई सारी चीज़ें हैं। मैं स्पेशली जो है ये वीडियो जो बना रहा हूँ पूरे जनहित में जारी होनी चाहिए। और सामने की तरफ भी वहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको क्या बुरा हाल हो रखा है। और अभी चलते हैं आगे की ओर, कि आप भी लगाओ कि हाँ यार ये चीज़ें गलत हैं और मतलब नहीं होनी चाहिए। दोस्तों ये रिफ्लेक्टर देख रहे हो आप, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, मतलब ये कभी घाटे बडार के नाम से जाना जाता था ये इलाका। और हर मतलब उत्तरकाशी रोड पे चलने वाला हर एक बंदा अच्छे से जानता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मलबा आता है। अब तो खैर अब देखेंगे कि आगे क्या सीन होगा, जब कभी तेज़ बारिश होगी कुछ भी हो सकता है कहने का मतलब। यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ पर भी सही है, और आगे चल के देखेंगे ना कुछ दूरी पर आगे जाके रिफ्लेक्टर सारे ही तोड़ रखे हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता साला ये करता कौन है दोस्तों। और वही रेस्टोरेंट देखते हैं आप, कुछ युवक हमारे गांव के बैठे हुए हैं और मज़े ले रहे हैं। और देख सकते हो आप, दोस्तों आप रिफ्लेक्टर की जो है हत्या कर दी गई है ये देखिए। और यहाँ से मैं दिखाते हैं, अभी आगे दिखाऊंगा, सारे ही रिफ्लेक्टर तोड़ रखे हैं लोगों ने। अभी आगे जाके देखेंगे आप, और बहुत कुछ ऐसा जानेंगे मतलब कि यार क्या मतलब गलत हो रहा है, ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है। और ये किसी पीने खाने वाले, किसी शराबी का काम भी हो सकता है, किसी फुकरे का भी काम हो सकता है, किसी बच्चे का भी काम हो सकता है। आगे भी दिखाऊँगा, काफ़ी जगह पर रिफ्लेक्टर तोड़े हुए हैं। और चलते हैं आगे की ओर, और देख सकते हो आप घूमने आ रहे काफी लोग यहाँ पर शाम के टाइम पे NS94 रूट का लुत्फ उठाते हुए। गट्टू का खाला नाम से फेमस था ये बैंड कभी। और ये देखिए यहाँ पर भी, ये देखो जानबूझ के तोड़ी हुई चीज है, ये देखिए किसी ने लात मारी इसमें, कोई बच्चा होगा या फिर कोई भी किसी के, क्योंकि जब तक देखा नहीं तब तक कुछ नहीं कह सकते कि मतलब किसने ये काम किया है। और आगे तक तोड़ रखे हैं, मेरी उंगली जा रही ना जहाँ तक। अब मैं हर एक चीज दिखाने वाला नहीं हूँ, लेकिन गलत है यार, ऐसा मत करो। अब बाई चांस मेरे सामने ही हरकत हो रही होती है ना, मैं साला कच्चा खा जाता उसे। और ये देखिए आगे की ओर भी, यहाँ पर भी तोड़ रखा है मतलब कोई वो नहीं। और यहाँ पर भी देख सकते हो, देख रहे हो ये भी तोड़ रखा है, ये हाल है इनके। मतलब यार क्यों ऐसा कर रहे हो आप लोग, क्यों मतलब यार अपनी चीज़ों को बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारे लिए ही तो है ये, किसके लिए, एलियन के लिए तो है नहीं, या फिर किसी मतलब अलग अंतरिक्ष से कोई व्यक्ति आएगा यहाँ पर घूमने के लिए, उसके लिए भी नहीं है, ये हम लोगों के लिए ही है जितने भी लोग चलेंगे इस रोड पे। ये देखें यहाँ पर भी तोड़ रखा है, और दो चप्पल भी मुफ्त में दे रखी हैं किसी के लिए, उसी की होंगी ये मेरे ख्याल से जिसने इस पर लात वात मारी होगी या फिर किसी ने छोड़ दी होगी। और ये देखिए यहाँ पर भी हत्या कर रखी है रिफ्लेक्टर की, क्या मतलब यार, मतलब क्या चीज़ है ये समझ में नहीं आ रहा है। वो देखो आगे भी ना, वो दोस्तों ऐसे खड़ा कर रखा है बस, वो थोड़ा मेरा फ़ोन का कैमरा कैच नहीं कर पाता है तो इस वजह से
समीप आके ही मैं आप लोगों को दिखा पाता हूँ। वो देखिए कुछ लड़के आ रखे हैं, सामने पूछताछ की जाएगी और इनसे मैं पूछने वाला हूँ दोस्तों क्या आखिर ये आपका काम है। चलते हैं इनके पास और देखते हैं क्या जवाब मिलता है। ये देखिए यहाँ पर भी तोड़ रखा है, ये देख रहे हो आप, यहाँ पर भी तोड़ रखा है। तो क्या यार ये क्या सीन है तुम्हारा, मतलब कुछ समझ में नहीं आता। आगे ये देखिए यहाँ पर भी, मतलब अबे क्यों कर रहे हो तुम लोग ऐसे। भाई सोच ना, बहाने दे। अभी मेरे को एक चीज बताओ यार, आप एक चीज रिफ्लेक्टर लगा रखे ना साइड, किसी को देखा मतलब है क्या तोड़ते हुए? हाँ किसने किया होगा ये काम है? सुबह के टाइम पे आते हो ना तुम लोग? सुबह नहीं आते, सुबह फिर ले जाते, शाम को ही आते हो। चलो ठीक है यार, थैंक यू। चलो चलो आप तो बुरा हाल कर रखा है रिफ्लेक्टर का। ये देखिए ये हम ये पूरे खेत जो है कुछ, मतलब आप ये मान के चलो कि हड़म मल्ला के ही हैं, मतलब ये रास्ता जा रहा है सीधा आपको हड़म मल्ला लेके जाता है, सीधे कारमल के लिए शॉर्टकट है। मैं आपको हर एक चीज़ बता चुका हूँ अपने पिछले ब्लॉग में, अगर आप चैनल में मतलब पहले से ही जुड़े हुए हैं, अगर नए हैं तो प्लीज़ यार लाइक दीजिए वीडियो को, वीडियो पर कमेंट डालिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। घंटी का बटन आता है बगल में, उसको ऑल पे जो है चूज़ कीजिए। और ये देखिए स्कूटी भी यहाँ पर संदिग्ध। आगे सारा ही मतलब इन्होंने तोड़ रखा है, और जो कि बहुत ज़्यादा ही गलत बात है। इतनी खतरनाक रोड, साला NS-94 रूट है। ये देखिए आप नज़ारा कुछ इस तरह से मसूरी रोड का भी, और पहले भी पिछले भी सारे व्लॉग्स में मैं ये चीज़ें दिखा चुका हूँ। रिफ्लेक्टर का हाल देखिए ज़रा, ये देखिए कुछ नज़ारा यहाँ पर। सामने डंपिंग जोन तो देख ही रहे हो आप, मतलब बुरा हाल हो रखा है। बारिश होती है ना, सारी मिट्टी जो है हमारे स्रोत में जा रही है, नीचे बह के स्रोत जो है, जो नाली बना रखी थी स्रोत में साइड से मतलब पानी के निकाश के लिए, तो वो पूरी दब चुकी है। मतलब मैं दिखाऊंगा, वीडियो भी मैंने बना रखी है उसके लिए अलग से, उसको इसमें ऐड करके आपको पूरा सीन समझाने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, कभी रास्ता था सीधा शिवालय के लिए जाता था, ये रास्ता ये देख रहे हो आप, ये रास्ता सीधा आपको शिवालय के लिए लेके जाता था। परसों हम यहाँ पर बैठे थे और तो क्या हुआ, कुछ पत्थर जो है नीचे आए यहाँ पर, और शाम के टाइम पे मतलब मुझे लगता है दोस्तों यहाँ से पक्का यार पत्थर तो उठते ही उठते होंगे, और सारे मतलब ना गायब होने वाले। ये मतलब ये कोई नहीं, मतलब यहाँ के आसपास के ना कुछ पहुँचे हुए मतलब दो नंबरी लोग, वही थोड़ा इन कामों को अंजाम देते हैं। ये देखिए आप ये पूरे पत्थर, कितना मतलब रिस्की सीन है, कितना डेंजरस सीन है ये। मतलब अगर बारिश तेज हो गई तो कुछ भी, मतलब नीचे चल रही गाड़ी ना कुछ भी हो सकता है, देख रहे हो आप। तो ये है मतलब नज़ारा कुछ, और की तरफ मैं लेके जा रहा हूँ आप सभी लोगों को। परसों हम जो है यहाँ पर बैठे हुए थे दोस्तों, शाम के टाइम पे हम जब घूमने आए अपने गांव से होते हुए, तो यहाँ से कुछ पत्थर नीचे भी आ रहे थे, और ये देखिए रोड नीचे। बाय चांस कोई चल रहा हो, बाय चांस खुद लगाइए आप, पर भगवान ना करे किसी के साथ अनहोनी घटे, लेकिन कुछ होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है यार। देखो प्रकृति से बढ़कर कोई चीज़ नहीं, और प्रकृति माँ आजकल थोड़ा ना, समझ रहे हो आप। तो ये चीज़ें ये देखिए कितनी रिस्की हैं ये चीज़ें, ये देख रहे हो आप। अब पहला रास्ता था यहाँ से, मतलब क्या काम किया यार इन्होंने, मतलब मेरी समझ में ये चीज़ नहीं आई। और ये देखिए ये है मतलब बगाशू खाला का, मतलब ये वो फेमस बैंड है, मतलब बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ गई कभी यहाँ से नीचे की ओर। मतलब दोस्तों कभी एक टाइम ऐसा था जब रोड पतली थी ना, आपको ध्यान होगा, कभी तो मतलब बहुत ही मतलब पालक रशीद क्षेत्र था ये भी, मतलब टीरी गढ़वाल के अंदर आने वाले उन सिरवाड़ों में से एक है। सिरवाड़ा मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पर मतलब सर्दियों के टाइम पर पाला पड़ता है, और मतलब ठंडा ज़्यादा रहता है, मतलब ये मान के चलिए आप। यार बहुत दुर्घटनाएं घटी कभी पास्ट में, भूतकाल में बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ नीचे, लेकिन अभी मिट्टी की वजह से देखो कितनी मिट्टी है यहाँ पर, मेरी समझ में नहीं आई। ये देखो ये पूरा हमारे स्रोत की तरफ जा रहा है, ये देखो ये आपका हड़म पल्ला हो गया, यारोई रेस्टोरेंट हो गया, ये हड़म हो गया,
और वो देखो देवतादार की लास्ट में इमारत दिख रही है, ये देखो ये पूरा डंडासली डंडासली थोड़ा यहाँ नीचे की ओर, ये पेड़ों के पीछे दब गया बेचारा। और रोड का मुद्दा मैंने उठाया था कि रोड जो है निकलनी चाहिए ना साला, यहाँ से होते हुए ना यहाँ तक आ जाए, यहाँ कहीं मिला दें या फिर आगे गुलडी की ओर निकाल दें तो बहुत भला हो जाएगा नीचे गाँव का भी। मतलब एक चीज़ यह है कि कनेक्शन थोड़ा ना, मतलब लोग जो विस्थापित हो रहे हैं ना गढ़वाल से, थोड़ा घूसखोरियों के चक्कर में, कुछ लालची लोगों के चक्कर में साले खुद अपना पेट भर देते हैं, दूसरे के बारे में कतई नहीं सोचते हैं, तो उस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। और ये देखो ये पूरा हड़म पल्ला ना पूरा खाली हो गया, होना ही है खाली। खैर ये देखो NS-94 रूट में खेत वेत कटे, खेत गए उन्होंने तो दबा के क्लेम वगैरह ये चीज़ें हो ही जाती हैं। नीचे बेचारा डंडासली है नहीं, और इतना प्रतिष्ठित विलेज दोस्तों डंडासली का कमी ना चौड़ थी इस रोड पे, इस पूरी रोड पे डंडासली उत्तरी, एक नाम हमेशा भूलना मत इस नाम को, ये पूरा एरिया डंडासली उत्तरी का है, ग्राम पंचायत जो है वो डंडासली उत्तरी के नाम से है। स्वागत द्वार बनने नहीं दिया उन्होंने अड़मदार में, वहाँ पर श्रीमान संपूर्णानंद कोठारी जी का मकान है, वहाँ पर हमारे ताऊ जी हैं भले ही, लेकिन कभी मतलब अब क्या बोलना ना किसी को, कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन यार तुम यार वहाँ पर स्वागत द्वार तो बना देते, मतलब क्या है कुछ भी। मतलब दोस्तों ये देखिए दोस्तों, इन्हें कहते हैं गजब पागल, चंबा 1 किलोमीटर है, ये क्या चंबा नहीं है? एक चीज़ बताइए ये चंबा नहीं है? ठीक है दोस्तों, गुलडी गांव में बना हुआ ये बोर्ड और क्या लिख रखा है, चंबा शहर 2 किलोमीटर, ये चंबा नहीं है क्या? एक चीज़ बताइए आप मेरे को, ये अजब चूतियाँ हैं, अजब गजब चूतिया साल है। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर बछड़ा है, ये देखिए मस्त होके घास खा रहा है यहाँ पर, गुलडी रोड का दृश्य है ये देखिए, ऋषभ पैलेस के ठीक सामने की बात है, देख रहे हो आप। और मतलब घोर कलयुग ही कह सकते हैं दोस्तों, तो मतलब ये बेचारे बेजुबान आज रोड पे ऐसे, और कितनी शांत है दोस्तों, ये देखिए कितनी सुंदर भी है, ये देखिए ये देखिए। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि मैं अपने गांव के पानी के स्रोत का नज़ारा कुछ दिखाऊंगा आपको, कि किस तरह से डंपिंग जोन की जो रेत है वो यहां पर हमारे स्रोत को बर्बाद कर रही है। और देख रहे हो आप, ये देखो रेत, देखिए कितनी रेत आ रही है सारी डंपिंग जोन से। कल को अगर ये स्रोत जो है, जो गढ़वाल में धारा के नाम से जाना जाता है, अगर इसके ऊपर कुछ दिक्कत हो गई, दब गया, कुछ हो गया, कहाँ जाएंगे लोग पानी भरने? ये इतना सुंदर प्राकृतिक स्रोत है, ऐसे ना मरने। और हमारे गांव के प्रधान जी क्या कर रहे हैं, हमारे गांव का एक हिस्सा जिसको हड़म नाम से जाना जाता है, जिसे हड़म नाम से जाना जाता है, वहां पर काम लेके आ रहे हैं। मतलब कि डंडासली में पलायन भले ही की शुरुआत हो चुकी है, मतलब खाली हो रहा है, ये लोग पता क्या फूट के चक्कर में ना मौके का फायदा उठा रहे हैं, इन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, और हड़म में दुनिया भर का काम ला रहे हैं प्रधान जी। जब डंडासली में काम लाने की बात होती है ना, ये धारा जो है 1997 का वंडर का, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ इस धारे के अंदर, और ये सोचना चाहिए प्रधान जी को। रोड पे ला रहे हैं दूसरों के घर के बाटे बना रहे हैं, रास्ते बना रहे हैं जो ऊपर रोड साइड बस चुके हैं, लेकिन जो मेन गाँव है, जो इतना मतलब NS-94 रूट का राजा गाँव था कभी, उस गाँव में मतलब ये हाल हो रखे हैं। हड़म वाले लोग क्या करते हैं कि प्रधान जी के कान भरते हैं, और प्रधान जी उनके ही मुताबिक चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि डंडासली में थोड़ा बहुत फूट के चलते कोई बताने वाला है नहीं, गांव में जो है हड़म में उन्होंने रिलिंग लगाई होगी, रास्ते का नया निर्माण किया, लेकिन हमारे डंडासली में कोई ऐसा काम नहीं हुआ, मतलब पुराने रास्ते 10-10, 15-15 साल पुराने रास्ते, नीचे गार्ड में एक पुल का प्रस्ताव दिया था, लेकिन प्रधान जी कत्ता ही नहीं उस चीज़ के बारे में, कुछ नहीं, मतलब खोपड़ी गुल हो रखी प्रधान जी की। यहाँ तक कि हमारे गांव का जो मेन मुख्य रास्ता है वहां पर लाइट के लिए प्रस्ताव दिया था, लेकिन नहीं, अपने घर के आसपास उन्होंने 4-4, 5-5 लाइट लगा रखी वहां हड़म में, जहाँ लाइट की कोई जरूरत ही नहीं है। और देख सकते हैं दोस्तों आप, मैं हूँ अभी अपने गांव के पानी के स्रोत में, देख रहे हो आप, इसमें मैं मेरा विलेज डंडासली के नाम से वीडियो भी बना चुका हूँ। आप सभी लोगों को अच्छे से ध्यान है, जिन्होंने मेरे हर कंटेंट देखे हैं इस चैनल पर, जितने भी कंटेंट मैंने आज तक बनाए, अब मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए सारी मिट्टी जो आ रखी है ना डंपिंग जोन के ऊपर से, इधर से इस तरफ से, ये डंपिंग जोन, ये हड़म वालों के खेत हो गए, इधर डंडासली हो गया, वहाँ से मतलब मिट्टी सारी बहकर, ये देखिए नाली, यहाँ पर नाली है, नाली का कहीं पता नहीं, ये देखो पूरा धंस गया, क्या होगा दोस्तों मेरी समझ में ये नहीं आई बात, ये देखिए देख रहे हो,